हेलो प्यारे छात्रों, आज आप लोगों को प्रश्नावली 3.4 का दूसरा नंबर कंप्लीट बताया जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। दूसरा नंबर कह रहा है, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण के युग्म बनाइए और उनके हल, यदि उनका अस्तित्व हो, विलोपन विधि से ज्ञात कीजिए। पहला नंबर है, यदि हम अंश में एक जोड़ दें और हर में एक घटा दें तो भिन्न एक में बदल जाती है। यदि हर में एक जोड़ दें तो वह 1/2 हो जाती है, वह भिन्न क्या है? तो इसमें हम मानेंगे, माना अंश बराबर x, हर बराबर y, अंश बराबर x, हर बराबर y हमने माना, तो भिन्न क्या बनेगी? भिन्न बराबर x बटा वाई, यानी अंश बटा हर, तो x बटा वाई हो गया। प्रथम शर्तानुसार प्रथम शर्त क्या कह रहा है, यदि हम अंश में एक जोड़ दें और हर में एक घटा दें, अंश में एक जोड़ दें और हर में एक घटा दें तो वह भिन्न एक में बदल जाती है, यानी वो बराबर एक के हो जाएगा। सब बटा एक मान करके तिरछा गुणा करा दीजिए, तो एक का गुणा कराएंगे x प्लस वन में, तो वही रहेगा x प्लस वन, और y माइनस एक का एक में कराएंगे तो यही रहेगा y माइनस वन। अब y को इधर ले लीजिए तो x माइनस का y हो जाएगा, एक उधर भेज दीजिए तो माइनस एक माइनस एक, माइनस एक पहले का, प्लस का एक इधर आया, माइनस का एक, तो x माइनस वाई इक्वल दोनों जुड़ जाएंगे तो माइनस के दो, समीकरण एक हो जाएगा। अब लिखेंगे द्वितीय शर्तानुसार, द्वितीय शर्तानुसार द्वितीय शर्त क्या कह रहा है, यदि हर में एक जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है, यानी अंश में हम कुछ नहीं करना है, हर हर में हमको एक जोड़ना है, तो अंश में x लिखा रख दीजिए और हर में हमको एक जोड़ देना है, वो 1/2 के बराबर हो जाती है। तिरछा गुणा करा दीजिए तो x का 2 में कराएंगे तो कितना आएगा, 2x, 1 का y प्लस 1 में कराएंगे तो y प्लस 1, y ले लीजिए तो 2x माइनस y बराबर 1, समीकरण 2। विलोपन विधि से हल करना है, तो विलोपन विधि में क्या करना है, गुणांक देखना है, यदि गुणांक किसी चर पद के बराबर है तो गुणा करने की जरूरत नहीं है, यदि बराबर नहीं है तो फिर एक चर पद के गुणांक को बराबर करने के लिए हमें गुणा कराना होगा। जैसे कि समीकरण एक में x का गुणांक 1, x का गुणांक 2, इसके गुणांक तो बराबर नहीं है, y के गुणांक 1, y के गुणांक 1 दोनों सेम है, तो क्या करेंगे, दोनों का चिन्ह देखिए, y वाले माइनस का है, ये भी माइनस का है, तो दोनों चिन्ह समान है, जब दोनों चिन्ह समान होंगे तो हमको समीकरणों को घटाना होगा, यदि चिन्ह अलग अलग होते हैं तो फिर जोड़ देते हैं, अलग अलग होने से ऑटोमेटिक कट जाते हैं, तो इनको हम घटाएंगे, तो देखेंगे समीकरण एक में समीकरण 2 को घटाने पर, तो समीकरण एक उतार लीजिए, x माइनस वाई इक्वल माइनस 2, इसको उतार लीजिए, 2x माइनस वाई इक्वल 1, चिन्ह बदल दीजिए, तो ये प्लस, प्लस का उल्टा क्या होगा, माइनस, माइनस का उल्टा प्लस, प्लस का उल्टा माइनस, प्लस माइनस के y हो गए, कट गए, बचा क्या, 2x से x घटेगा तो x आएगा, बड़ी संख्या 2 है, माइनस के, माइनस x आएगा, फिर ये दोनों देखिए, दोनों के चिन्ह सेम है, जुड़ जाएंगे तो माइनस 2 में माइनस 1 जोड़ेंगे माइनस 3 हो जाएगा, दोनों तरफ माइनस माइनस के हैं, कैंसिल कर देंगे तो x बराबर कितना आ गया, 3 आ गया। अब x का, अब जो है x का मान समीकरण 1 में रखिए चाहे 2 में रखिए, तो समीकरण 1 में रख लेते हैं, समीकरण 1 में x का मान रखने पर
तो समीकरण एक उतार लीजिए, एक्स माइनस वाई बराबर माइनस दो, तो तीन माइनस वाई बराबर माइनस दो, तीन को हेंच दीजिए उस पार, तो माइनस वाई बराबर माइनस दो, प्लस का तीन है तो माइनस का तीन, तो माइनस वाई बराबर दोनों जुड़ जाएंगे, माइनस माइनस के हैं तो दो में तीन जोड़ेंगे पाँच, तो माइनस पाँच, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा दोनों तरफ का, तो वाई बराबर पाँच। हमसे क्या पूछ रहा है, वह भिन्न क्या है, तो भिन्न बराबर एक्स बटा वाई माना गया है, तो लिखेंगे अतः भिन्न बराबर एक्स बटा वाई, एक्स का मान कितना आया तीन और वाई का मान पाँच। आंसर तीन बटा पाँच भिन्न आएगी, नोट कर लीजिए। अगला सवाल है दूसरा नंबर, पाँच वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की तीन गुनी थी, दस वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की दो गुनी हो जाएगी, नूरी और सोनू की आयु कितनी है। तो मानेंगे, माना नूरी की आयु बराबर एक्स वर्ष, सोनू की आयु बराबर वाई वर्ष। अब प्रथम शर्त अनुसार लिखेंगे, प्रथम शर्त अनुसार, प्रथम शर्त क्या कह रहा है, पांच वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की तीन गुनी थी, तो पांच वर्ष पूर्व नूरी की आयु कितनी हो जाएगी बताइए, पांच वर्ष पूर्व, तो पांच क्या करेंगे घटाएंगे, एक्स वर्ष है तो एक्स में से पांच हम क्या करेंगे माइनस कर देंगे, तो पांच वर्ष पहले की आ जाएगी। सोनू की आयु निकालना है, तो सोनू की आयु में भी हम पांच वर्ष माइनस कर देंगे, दोनों की आयु बराबर करना है, लेकिन अभी बराबर नहीं होगा, कंडीशन दिए हैं तीन गुना है ये, अगर मान लो पंद्रह साल के हैं तो ये पाँच साल का है, बराबर करना है तो छोटे वाले पर ध्यान देना है, ये तिगुना है बराबर करना है तो इसको तिगुना कर दीजिए छोटे वाले पर, तो इसमें हम तीन गुना कर देंगे, हल कर लेंगे इसको हम, तो एक्स माइनस पाँच बराबर तीन का गुना करा दीजिए, तीन वाई, तीन का पाँच कराएंगे, तीन पचे पंद्रह, तीन का वाई कराएंगे गुणा, तो तीन वाई, तीन का पाँच कराएंगे तो तीन पचे पंद्रह, तीन वाई को इधर ले लेंगे एक्स की तरफ तो माइनस में आ जाएगा, प्लस का तीन वाई है, माइनस पंद्रह प्लस का पाँच हो जाएगा, उधर भेजेंगे पक्षांतर करेंगे तो चेन बदल जाएगा ना, माइनस का उल्टा प्लस। अब एक्स माइनस तीन वाई बराबर दोनों घटेंगे अलग अलग चिन्ह के हैं तो 10 आएगा, और बड़ी संख्या चिन्ह 15 बड़ी संख्या माइनस के, समीकरण एक हो गया। अब लिखेंगे द्वितीय शर्त अनुसार, द्वितीय शर्त क्या कह रहा है, 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की दोगुनी हो जाएगी, तो 10 वर्ष पश्चात निकालिए, दस वर्ष पश्चात नूरी की आयु बराबर कितनी हो जाएगी, दस वर्ष जुड़ जाएगी एक्स प्लस दस वर्ष, सोनू की आयु निकालना है तो सोनू की आयु भी, आयु में भी दस वर्ष जुड़ जाएगा, तो वाई प्लस दस वर्ष, तो नूरी की आयु एक्स प्लस दस वर्ष और सोनू की आयु वाई प्लस, सोनू की आयु वाई प्लस दस वर्ष, दोनों बराबर करना है तो ऐसे तो बराबर होंगे नहीं, कंडीशन दिया होगा, कंडीशन क्या दिए है, कंडीशन दिए है क्या दिए है देखिए, नूरी की आयु सोनू की आयु की दोगुनी हो जाएगी, तो अब ये दोगुना है तो छोटे वाले में दोगुना कर दीजिए बराबर हो जाएंगे, या बड़े वाले में दो का भाग कर सकते हैं हम,
भाग करेंगे तो एक गुणा में आ जाएगा, वही बात पड़ेगी, दो का गुणा करा दीजिए कोष्ठक के अंदर, तो एक्स प्लस 10 बराबर दो का वाई में कराएंगे 2y और दो का 10 में कराएंगे तो 20, दो धाम 20। अब 2y पक्षांतर कर लीजिए तो माइनस का 2y आ जाएगा, प्लस का 2y है उस साइड में आर एस एस साइड में, और ये 10 को उधर ट्रांसफर कर दीजिए तो 20 है, 20 में से 10 क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, क्योंकि प्लस का 10 है इधर आएगा तो माइनस का 10, तो एक्स माइनस 2y बराबर 20 से 10 घटाएंगे कितना आएगा 10, समीकरण 2 हो गया, समीकरण 1 और समीकरण 2 में देखिए किसी चर पद के गुणांक बराबर है, एक्स का गुणांक 1, एक्स का गुणांक 1 बराबर है, जब बराबर है तो चिन्ह देख लीजिए, प्लस का है प्लस का है, दोनों चिन्ह समान है, दोनों चिन्ह समान है तो काटना है, तो कैसे काटेंगे घटाने पर, तो समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटा देंगे, समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटाने पर, तो समीकरण 1 उतार लीजिए तो x माइनस 3y बराबर माइनस 10, और समीकरण 2 उतार लीजिए x माइनस 2y बराबर 10, घटाना है चिन्ह बदलना है, अगर जोड़ते हैं तो चिन्ह नहीं बदलते, तो चिन्ह बदलिए तो प्लस का उल्टा माइनस, माइनस का उल्टा प्लस, और प्लस का उल्टा माइनस हो गया, प्लस छिपा हुआ है और यहाँ प्लस छिपा हुआ है, जब चिन्ह नहीं लगा होता है तो प्लस चिन्ह छिपा होता है, एक्स एक्स दोनों प्लस माइनस के हो गए, कट गए क्योंकि ये बीच वाले चिन्ह नहीं माना जाता है, इसमें देखिए ये माइनस 2 3y है, प्लस का 2y है, दोनों चिन्ह अलग अलग हैं तो घटेंगे, तो 3y से 2y घटाइए, 1y तो 1 लिखा नहीं जाएगा, y बचेगा, और चिन्ह बड़ी संख्या का तो 3 बड़ी संख्या है, माइनस के 3 है तो माइनस लगा दीजिए, इन दोनों को देखिए दोनों चिन्ह सेम है, माइनस माइनस के हैं तो दोनों जुड़ेंगे घटेंगे, समान समान चिन्ह होने पर दोनों जुड़ जाएंगे, माइनस का कितना हो जाएगा 20, माइनस माइनस प्लस ना कीजिएगा, माइनस 10 माइनस 10 जोड़ना है माइनस 20, दोनों तरफ माइनस माइनस के हैं कैंसिल हो जाएगा, तो वाई बराबर कितना आ गया 20। अब वाई का मान चाहे समीकरण 1 रखिए चाहे 2 में रखिए, तो हम समीकरण 1 रख लेते हैं, लिखते हैं समीकरण 1 में वाई का मान रखने पर, समीकरण 1 उतार लीजिए, एक्स माइनस 3y बराबर माइनस 10, तो y का मान कितना 20, तो रखिए हम तो x माइनस 3 y के बीच में 3 और y के बीच में करेक्ट चिन्ह गुणा का, तो 20 गुणा में आएगा बराबर माइनस 10, तो 20 3 का गुणा कराइए कितना आएगा 60 आ जाएगा बराबर माइनस 10, 60 को भेज दीजिए उधर तो माइनस 10 प्लस का 60 जाएगा, क्योंकि माइनस का 60 है, गुणे घटेंगे, चिन्ह देखिए दोनों के अलग अलग चिन्ह के हैं तो क्या होंगे घटेंगे, तो घटा दीजिए 60 से 10 घटाइए कितना आएगा, 60 से 10 घटाएंगे 50, तो क्या क्या माने थे, नूरी की आयु x माने थे, तो आता है नूरी की आयु बराबर x है तो 50 वर्ष, सोनू की आयु बराबर y वर्ष माने हैं, y का मान कितना आया 20, सोनू की आयु 20 वर्ष, आंसर नोट कर लीजिए। अगला नंबर है, दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 8 है, इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बड़ी संख्या का 2 गुना है, वह संख्या ज्ञात कीजिए, तो दो अंकों की संख्या है यानी इकाई दहाई काम करेगी, तो लिखेंगे माना इकाई का अंक बराबर x, दहाई का अंक बराबर
प्रथम शर्तानुसार प्रथम शर्त क्या कह रहा है, देखिए दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है, यानी इकाई और दहाई इन दोनों का योग 9 है। तो लिख देंगे x प्लस वाई इक्वल 9, समीकरण 1 हो गया। द्वितीय शर्त अनुसार द्वितीय शर्त क्या कह रहा, इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। अब संख्या क्या है, इसमें संख्या तो हमने हमको पता ही नहीं है, तो संख्या हम बनाएंगे, लिखेंगे संख्या और मूल संख्या, मूल मतलब मुख्य मैन, मूल संख्या बराबर, देखिए इकाई का अंक दहाई का अंक हमको पता है, तो संख्या बनाने के लिए हम क्या करते हैं, जैसे मान लो इकाई का अंक हो गया 4 और दहाई का अंक हो गया 5, तो संख्या बनाना है तो 5 × 10 + 4 यानी दहाई का मतलब 10 गुना और इकाई का मतलब 1 गुना, तो 5 × 10 + 4 पाँच दहाई का मतलब 50 + 4 = 4। इसी तरह ये भी है, दहाई क्या माने वाई और इकाई क्या माने एक्स, तो मूल संख्या यानी 10 × दहाई का अंक और प्लस इकाई का अंक। यदि हमको संख्या बनाना है तो दहाई के अंक में 10 का गुणा और साथ में इकाई के अंक में इकाई के अंक को जोड़ देंगे तो संख्या बन जाएगी, जैसे कि इसमें किया गया था दहाई का अंक था तो 2 × 10 गुना कर दीजिए 15 × 50 और फिर इकाई जोड़ दीजिए तो 54, तो 10 दहाई, तो 10 दहाई का अंक क्या है वाई, तो 10 वाई, 10 और वाई को गुणा कराएंगे 10 वाई और प्लस एक्स। संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या, संख्या के अंकों को पलटने पर, तो संख्या के अंकों को पलट दिए तो इकाई का अंक क्या हो जाएगा, जो दहाई का अंक है वो इकाई का बन जाएगा और जो इकाई का अंक है वो दहाई का बन जाएगा। तो इकाई का अंक हमने एक्स माना था, दहाई का अंक वाई माना था, तो अब ये अंक पलट जाएंगे, तो इकाई को दहाई मानेंगे और दहाई को इकाई को वाई मानेंगे और दहाई को एक्स मानेंगे, तो इकाई का अंक वाई हो गया, इकाई का अंक वाई हो गया और दहाई का अंक एक्स हो गया, तो नई संख्या बनेगी, तो नई संख्या जो बनेगी वही सूत्र लगेगा 10 × दहाई का अंक और प्लस इकाई का अंक, तो 10 × दहाई क्या है, दहाई हमारा एक्स है, तो 10 × एक्स यानी 10x और इकाई का अंक वाई, तो 10x + y ये नई संख्या प्राप्त हो गई। अब इन दोनों को हम अब जो है आगे पढ़ेंगे, इस संख्या का 9 गुना, इस संख्या मतलब मूल संख्या, तो मूल संख्या क्या है 10y + x, इसका 9 गुना, 9 को गुणा करा देंगे, संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या, तो पलटने के बाद ये वाली संख्या बनी, तो 10x + y का 2 गुना है, यानी ये दोगुना कर दीजिए इसको, इसको हल करते हैं, अब 9 का गुणा करा दीजिए कोष्ठक के अंदर, 9 × 90y 9x बराबर 10 × 20x और 2y, x एक तरफ करते हैं मतलब जितने भी चर पद हैं इनको एक तरफ कर लिया जाता है, कर लिया जाए
नब्बे वाई प्लस 9x माइनस का 20x माइनस का 2y। पक्षांतर कर लेते हैं, 20x माइनस का आ जाएगा, 2y माइनस का आ जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो 90 में से 90y से 2y घटेगा, तो 90y से 2y घटाइए कितना आएगा, 88y। और 9x से 20x प्लस माइनस का घटेंगे तो 20 से 9 घटाएंगे 11x, और चिन्ह बड़ी संख्या का, तो 20 बड़ी संख्या माइनस के माइनस लगा दीजिए बराबर 0। अच्छा देख रहे हैं 11 88 लिखा तो 11 से डिवाइड भी हो जाएगा, तो 11 से हम क्या करेंगे, भाग देंगे, 11 से भाग देने पर तो क्या आ जाएगा, 11 88 यानी 8y और 11 * 11 यानी 1x, एक लिखा नहीं जाएगा। ये हो गया हमारा समीकरण 2। समीकरण 1 में देखिए x का गुणांक क्या है, 1, और समीकरण 2 में देखिए x का गुणांक 1 है। चिन्ह देखिए प्लस का है, ये माइनस का है, अलग अलग चिन्ह है, तो समीकरणों को जोड़ेंगे कि घटाएंगे, जोड़ेंगे, चलिए जोड़ते हैं, क्यों जोड़ेंगे, क्या अलग अलग चीज़ तो कट जाएंगे, तो x प्लस वाई पहले यहाँ लिख देंगे, समीकरण एक व दो को जोड़ने पर, समीकरण एक को कर लीजिए, x प्लस वाई बराबर 9, समीकरण दो उतार लीजिए तो 8y माइनस x है, तो माइनस x इसके नीचे लिख दीजिए, माइनस x और प्लस का 8y है, तो यहाँ 8y लिख दीजिए बराबर 0। यहाँ 0 है ना, देखिए अब घटाना है कि जोड़ना है, जोड़ना है तो कोई चिन्ह नहीं बदलना हमको, तो चिन्ह देखिए दोनों अलग अलग कट गए हैं, ये दोनों जुड़ जाएंगे तो 8 * 9y, 8y में y जोड़ेंगे तो 9y, और बराबर 9 में 0 जोड़ेंगे तो 9, ये 9 गुणा में बटन चला जाएगा तो y बराबर 9 बटा 9 तो 9 से 9 कट जाएगा, 9 * 9 = 9 तो बराबर 1, तो y बराबर कितना आ गया, 1। अब y बराबर 1 आया तो y का मान चाहे समीकरण 1 रखिए चाहे 2 में रखिए, तो 1 रख लेते हैं, समीकरण 1 में y का मान रखने पर, तो समीकरण एक उतार लीजिए, x प्लस वाई बराबर 9, वाई का मान कितना आया, 1 रख दीजिए, x प्लस 1 बराबर 9, तो x बराबर 9 माइनस 1, x बराबर 8। संख्या पूछ रहा आता है, संख्या बराबर है, संख्या क्या है, मूल संख्या ये है 10y + x, तो 10 गुणे वाई का मान कितना है, 1, और x का मान क्या है, 8, तो 10 * 1 = 10 + 8, तो 10 + 8 जोड़ेंगे कितना आएगा, 18 आंसर। चौथा नंबर देखते हैं, चौथा है मीना 2000 रुपये निकालने के लिए एक बैंक गई, उसने खजांची से 50 रुपये तथा 100 रुपये का नोट देने के लिए कहा, मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए, ज्ञात कीजिए कि उसने 50 रुपये और 100 रुपये के कितने कितने नोट प्राप्त किए। मानेंगे, माना मीना ने 50 रुपये के 50 रुपये के नोट प्राप्त किए बराबर x, और 100 रुपये के नोट प्राप्त किए बराबर और 100 रुपये के नोट प्राप्त किए बराबर y,
प्रथम शर्तानुसार प्रथम शर्त क्या कह रहा है, ये 2000 रुपए निकालने के लिए एक बैंक गई, उसने खजांचे से 50 रुपए तथा 100 रुपए के नोट देने के लिए कहा, कितने रुपए निकालने गई, 2000 रुपए। तो 50 रुपए के एक्स नोट हैं, तो 50x रुपया प्राप्त किया, और 100 रुपए के वाई नोट हैं, तो 100y रुपए प्राप्त किया। इतने रुपए प्लस इतने रुपए, अब मिला करके टोटल कितने हो जाएंगे, 2000, 2000 रुपए के बराबर हो जाएंगे। 50 रुपए के एक्स नोट, तो कितने रुपए हो जाएंगे टोटल, 50 का एक्स उपड़ा करा देंगे। मान लो 50 रुपए के 4 नोटें होती तो कितने रुपए हो जाते हैं, 50 चौके 200, तो 200 रुपए हो जाते कि नहीं इसके। और 100 रुपए के वाई नोट, और 100 रुपए के 3 नोट होते तो कितने हो जाते हैं, 100 या 300, और टोटल 500 है, तो 300 प्लस 200 जोड़ दीजिए, 500 हो गया। 50 से सब भाग देने पर कट जाएंगे, तो लिख देंगे 50 से भाग देने पर, तो 50 का भाग देंगे तो x आ जाएगा, 50 × 100, 2y, 50 × 200 और 1 0 40, समीकरण 1 हो गया। अब लिखेंगे द्वितीय शर्त अनुसार, द्वितीय शर्त क्या कह रहा है, मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए, 50 रुपए कितने नोट हो गए, x, 100 रुपए कितने नोट प्राप्त किए, y, तो कुल नोट कितने प्राप्त किए, 25, तो x में y जोड़ देंगे, तो x प्लस वाई बराबर 25, समीकरण 2 हो गया। अब समीकरण 1 और 2 को हल किया जाए, तो x का गुणांक 1, x का गुणांक 1 बराबर है, गुणा कराने की जरूरत नहीं है, और दोनों चिन्ह सेम हैं, प्लस प्लस के हैं, तो इसलिए घटाएंगे। तो लिखेंगे समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटाने पर, समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटाने पर, तो उठा लीजिए समीकरण 1, x प्लस 2y बराबर 40, समीकरण 1 हो गया। दूसरा उतार लीजिए, x प्लस वाई बराबर 25, चिन्ह बदल दीजिए, ये प्लस का है तो उल्टा माइनस, प्लस का उल्टा माइनस, प्लस का उल्टा माइनस, प्लस माइनस का x है कट गए, 2y से y घटेगा क्योंकि प्लस माइनस का हो गया, तो y बचेगा यहाँ, और 40 से 25 घटाएंगे तो 15 आ जाएगा, 40 से 25 घटाएंगे तो 15, y बराबर 15 आ गया। अब y का मान चाहे समीकरण 1 में रखिए चाहे 2 में रखिए, तो 2 वाला सरल समझ में आ रहा है, इसको दोगुना करना पड़ेगा, 2 वाले कर लीजिए, समीकरण 2 में y का मान रखने पर रख दीजिए, पहले उठा लीजिए समीकरण 2, x प्लस वाई बराबर 25, तो x प्लस 15 बराबर 25, तो x बराबर 25 माइनस 15 घटाएंगे कितना आ जाएगा, 10। तो लिखेंगे अतः मीना ने 50 रुपए के नोट प्राप्त किए बराबर x है, तो x कौन कितना है, 10, 50 रुपए का नोट प्राप्त किए बराबर 10, और 100 रुपए का नोट प्राप्त किए बराबर 100 रुपए कितने आए, 15, वाई का मान 15, आंसर। उत्तर की जांच कर लीजिए, यानी यहाँ 10 नोट हैं, तो 50 रुपए के 10 नोट कुल कितने हो जाएंगे, 500 रुपये हो जाएंगे ना, 100 रुपए के 15 नोट, तो कितने रुपए हो जाएंगे, टोटल हो जाएंगे 1500,
यानी 1500 जोड़ेंगे कितना आएगा, 2000 आएगा। उत्तर की जांच हो गई, दो नोटों को मिला करके कुल कितने नोट है, 25। तो 15 में 10 जोड़ेंगे 25। पांचवा नंबर देखिए, किराए पर पुस्तक देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है। सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये अदा किए, जबकि सूसी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए 21 रुपये अदा किए। नियत किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात कीजिए। तो हल करते हैं, माना नियत किराया बराबर ₹100 प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया बराबर ₹100। प्रथम शर्त अनुसार प्रथम शर्त क्या कह रहा, पढ़िए। सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये अदा किए। अच्छा, ये ऊपर कंडीशन एक दिए, पढ़ लीजिए सवाल। किराए पर पुस्तक देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया, 3 दिन का, या 7 दिन का ले रही है सरिता, तो 7 दिन का ले रही है, तो 3 दिन तक जो किराया है वो फिक्स है। इसके बाद फिर जो एक्स्ट्रा जो दिन लिए है यानी 4 दिन, तो प्रत्येक दिन का ₹Y उसको देना पड़ेगा और 3 दिन ₹X देना पड़ेगा। बात समझ रहे हैं, 3 दिन का नियत किराया X और इसके बाद जो 4 दिन है, 4 दिन का किराया तो 4Y, दोनों को जोड़ेंगे यानी 3 दिन का किराया X हो गया और 4 दिन बचे तो 4 दिन का किराया Y के हिसाब से ₹4 और टोटल मिलाकर कितना दिए, 27 रुपये। ये हो गया समीकरण 1। द्वितीय शर्त अनुसार द्वितीय शर्त क्या कह रहा, पढ़िए। सूसी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए 21 रुपये अदा किए, कितने दिन तक, 5 दिन तक। 3 दिन तक जो उसका किराया फिक्स है वो होगा X और बचेंगे 2 दिन, 3 × 5 होता है, तो 2 दिन के हिसाब से 2Y हो जाएगा। तो लिखेंगे X+2Y = 21, समीकरण 2। समझ रहे ना, 5 दिन का किराया यानी 3 दिन का X हो गया और 2 दिन बचे, 3 × 5, तो 2 दिन का किराया, 1 दिन का ₹1 लग रहा है तो है, तो 2 दिन का किराया ₹2, तो 3 दिन का 2Y का मिला करके 5 दिन का किराया ₹21। इसी तरह इसमें 3 दिन का किराया ₹X और 4 दिन का किराया, 1 दिन का किराया Y और 4 दिन का किराया ₹4, तो 3 दिन + 4 दिन मिला करके ₹27। अब इन दोनों को हल किया जाए, समीकरण 1 और 2 को, तो दोनों को गुणांक देख रहे हैं, 1 1 है, तो घटाया जाए क्योंकि बराबर चिन्ह के हैं, कट जाएंगे। लिखेंगे समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटाने पर, तो समीकरण 1 उतार लीजिए, X+4Y = 7, 27, और दूसरा समीकरण है X+2Y = 21, चिन्ह बदल देंगे, माइनस प्लस उल्टा माइनस प्लस उल्टा माइनस प्लस माइनस उल्टा माइनस, ये दोनों कट गए, X X बचा क्या, 4Y 2Y घटाएंगे, प्लस माइनस के 2Y, 27 से 21 घटेगा 6 आएगा, तो 2 बटन ले जाएंगे तो 6 2×2 = 6, तो Y = 3। अब Y का मान चाहे समीकरण 1 को रखिए चाहे 2 में रखिए, तो समीकरण 1 रख लेते हैं। समीकरण 1 में Y का मान रखने पर तो X प्लस
चार वाई बराबर 27 है तो वाई का मान 3 है, तो एक्स प्लस 4 गुणे 3 बराबर 27, तो एक्स प्लस 12 बराबर 27, तो एक्स बराबर 12 से 27 से 12 घटेगा तो एक्स बराबर 15। तो लिखेंगे अतः नियत किराया बराबर नियत किराया बराबर 15 रुपये और प्रत्येक दिन का किराया बराबर 3 रुपये आंसर। यदि आप लोग मेरे चैनल पहली बार आ रहे हैं तो मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने मित्रों तक भी मेरे वीडियो को शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी मेरे द्वारा समझाए गए सवालों का फ़ायदा मिल सके। जय हिंद, जय भारत।